आए तो सही ना, तशरीफ लाए राणा साहब को, कहें जरा जरूरत तो करें, हुकूमत की ताकत पर तो आप सब कुछ करते रहे हो ना, आप आके जरा देखो। अगर ये पीपल्स पार्टी का यही मानना है कि अभी भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है और अभी भी कोई तो लाडला है जिसको जो है कभी लंदन से, कभी दुबई से, और कभी इस तरह से मीडिया पर उसको इस तरह से दिखाया जाता है जैसे पापाए रोम ही वही हैं, हालांकि एक सजा याफ्ता मफरूर शख्स जो है उसको तो इस तरह से उसके साथ लगना भी जुर्म होता है। आपको पता है कि कोई शख्स उसे पनाह दे तो वो भी ताज़ी रात पाकिस्तान के ताबे जो है वो काबिल मस्तूजब सजा है जो रखे, और ये इस तरह से दिखा रहे हैं जैसे वो कोई फातह आज़म तशरीफ़ ला रहे हैं या बादशाह सलामत तशरीफ़ ला रहे हैं। सो राणा साहब की ये गलतफहमी दूर हो जाएगी। अबल तो मोहतरम नवाज शरीफ साहब आएंगे ही नहीं अगर वो 16 महीने अपने भाई साहब की बादशाहत में नहीं तशरीफ़ ला सके, और वो भाई साहब ने भी ऐसा उनके साथ जो है हाथ खेला है कि अपने केस तो ख़त्म करवा लिए, अपने बेटे शहबाज शरीफ शहबाज के भी ख़त्म करवा लिए, अपने बेटे सलमान के भी ख़त्म करवा लिए, लेकिन भाई साहब के ख़त्म नहीं करवाए। अब अगर आएंगे भी तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं राणा साहब, उनका सीधा अडियाला जेल में जाना है, ठहर चुका है जाना, और वहाँ यकीनन जेल वाले जो हैं उनका इस्तकबाल करेंगे कैदी जो है। सो अगर उन्हें ये शौक़ है तो ये शौक़ पूरा कर लें, मगर भाई साहब इनके झांसे में आने वाले नहीं हैं। पहले भी जब ये गए थे तो इन्हें लोग कहते थे नवाज शरीफ कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं, और जब इन्हें माफ़ी मांग के गए तो पीछे देखा तो कोई एक शख्स भी नहीं था। अब ये ऐसा झांसा खाने वाले नहीं हैं, तो आए बड़े शौक से आए, इलेक्शन का आज ऐलान करें बग़ैर प्रोटोकॉल के, ये ज़रा बाजार में और ये अपने हलकों में जाके देखें, अगर लोग इन्हें गंदे अंडे ना मारे ना तो आप जो मर्जी कर लें और इनकी ज़मानतें जब्त होंगी। तो इस तरह से प्रोपेगेंडा करके और टेलीविज़न पर जो है अपना मुश्तहरी मनादी करके इस तरह से लोग इनको जाने नहीं लेने नहीं जाएंगे। सो ये खातिर जमा है मुख्तलिफ हलकों ने कहा जा रहा है पीपल्स पार्टी से मुंह फेर लिया है। पंजाब में मोहसिन नकवी को आसिफ जरदारी साहब अपना बच्चा कहते थे, अब पीपल्स पार्टी कह रही है कि नून लीग ने हाईजैक कर लिया मोहसिन नकवी को, वो नवाज शरीफ को अपनी वफादारियों की यकीन दहानी करा रहे हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड पंजाब में पीपल्स पार्टी को नहीं मिल रहा, नून लीग को मिल रहा है। ओ भाई मैं तो पहले दिन कहता था कि मत करो नून लीग के साथ, ये ज़ियाउल हक की बाकियात हैं, ये भुट्टो के कातिल हैं, इन्होंने इनसे कभी अच्छाई की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। और आज बिलावल चेयरमैन कह रहा है कि जी जब इनके ऊपर मुसीबत आती है तो ये पांव पड़ जाते हैं, और जब इनका जो है आसाइश आती है तो इनका हाथ गर्दन पे होता है, आज ये कह रहे हैं। और मैं तो 18 महीने से यही बात कह रहा हूँ, और मैंने तो मना किया था मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब को कि इसको मत बनाना शहबाज शरीफ का वजीर बाहर गए, आज उन्हें नज़र आ रहा है। मैं जब कहता था 90 दिन के अंदर आई नहीं तकाजा है इलेक्शंस का, मुझ पर तनकीद होती थी, आज सारी पीपल्स पार्टी कह रही है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शंस करवाएं, आज वो कह रहे हैं कि लाडला जो है वो शहबाज शरीफ खुद कहता है मैं 30 साल से इनकी आंखों का तारा हूँ, तो लाडला कौन हुआ, शहबाज शरीफ हुआ, नवाज शरीफ हुआ, या कोई और हुआ? तो ये बात छोड़ दें, ये हमेशा ऐसे ही करते हैं, ये एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे चढ़ के आते हैं शरीफ, ये हैं ही ज़ियाउल हक की पैदावार हैं, इनसे कोई अच्छाई की तवक्को हो ही नहीं सकती है। तो इसलिए हमारा तो पहले दिन से ही यही था, पीपल्स पार्टी का आज मौका फर्मली ये हो गया है तो अच्छी बात है, क्योंकि स्पेस जो है अगर हम बी टीम बन के करेंगे तो पंजाब में वाकई ही हमारे लिए स्पेस जो है वो नापैद हो जाती है। जब आप नवाज शरीफ के उनकी जो सारे करतूत हैं, जरदारी साहब ने भी कहा था कि आज अगर मैंने इनके ख़िलाफ़ ना किया नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ तो मुझे तारीख कभी माफ़ नहीं करेगी। तो ये देखें इतनी जब आपने बातें की हैं तो इनके साथ कैसे मफाहमत हो सकती है। सो उन्होंने हमें इस्तेमाल किया, हुकूमत उनकी आई, 16 महीने वो रहे एस्टेब्लिशमेंट के साथ, वो करीब हो गए, वज़ीर उन्होंने अपने सारे रखवा लिए, फवाद अहमद फवाद से लेकर चीमा से लेकर तौकीर शाह से लेकर ये जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे नवाज़ और शहबाज शरीफ के, वो इस वक्त वफाकी काबीना में है, तो फिर जाहिर है कि लेवल प्लेइंग फील्ड कहाँ से होगी। तो फिर तसलसल आ रहा है शहबाज शरीफ की हुकूमत का,
लेकिन फिर भी नवाज शरीफ नहीं आएगा, आप लिख लें। सर एक सवाल लास्ट लीजिएगा सर, हुकूमत खत्म हो गई, सारे मुल्क से बाहर चले गए और वहाँ से बयान दे रहे हैं दोबारा मौका मिलते हैं हम खिदमत करेंगे, सर क्या अमेरिका और यूरोप कंट्रीज में भी लीडर ऐसे ही करते जब उनकी हुकूमत खत्म होती है तो मुल्क छोड़ के चले जाते हैं? ओ भाई, औलादें इनकी बाहर हैं, कारोबार इनके बाहर हैं, जायदादें इनकी बाहर हैं, इनको क्या फ़र्क पड़ता है? अभी तो 350 रुपये तेल हुआ है ना, ये 1000 रुपए भी पेट्रोल हो जाए इनको क्या फर्क पड़ता है? इन्हें तो सरकारी मराहत मिलती हैं और ये बाहर इनके तो डॉलर्स जो है उसकी कीमत चढ़ रही है, जो इनकी जायदादें बाहर हैं इनकी तो जायदादों की कीमतें बढ़ रही हैं, तो इन्हें क्या फ़र्क पड़ता है? वो आवाम बेचारी से पूछो जो इस वक्त फाकों पर आई हुई है, उनसे पूछो 350-360 रुपये तेल हो गया है, वो कैसे रक्षा भी नहीं चला सकते, मोटरसाइकिल भी नहीं चला सकते, उनसे ज़रा पूछें। जो बिजली के बिल जो हैं वो इतनी लंबी लंबी फहरिस्तें आ रही हैं, उनसे पूछें ज़रा, जो बिजली के बिल जला रहे हैं, जिसकी 50,000 रुपया आमदनी है और 40,000 या 35,000 बिल आता है, उससे पूछें इनको नवाबों को क्या फ़र्क पड़ता है। देखें राना सनाउल्ला साहब ने जो फरमा रहे हैं उनकी बात तो खैर मैं क्या करूँ, लेकिन जितना माशाल्लाह मोहतरम नवाज शरीफ साहब का और उनकी पार्टी वालों का जो लंदन में स्वागत हो रहा है, जिस तरह से पाकिस्तानी जो है वहाँ बासी जो रहने वाले हैं वो जिस अंदाज से, आपने भी सोशल मीडिया पर देखा होगा, चोर 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 के जिस तरह उनके पीछे जो है वो नारे लगते हैं और जिस तरह से वो छुप छुपा कर मुँह छुपा कर और भागते हैं वहाँ से चले, खुशफहमी है उनकी, हुकूमत होती है तो म्यूनसिपल कमेटी के जो है मुलाजिम भी होते हैं और सारे जो है इनके सरकारी जो बेचारे छोटे अहदेदार होते हैं उन सारों को वो पकड़ पकड़ के तो वो ला के खड़ा कर देते हैं और उनका जो है इस्तकबालिया हो जाता है।